तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 20 फीट बाय 22 फीट का एक छोटा सा हाउस प्लान। इसमें आपको 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 बाथकम, लेटरिन, डाइनिंग, लिविंग और बहुत कुछ मिलेगा। तो आपके साथ आगे मैं शेयर करूँगा। तो देखिए, इस छोटे से प्लॉट साइज में मैंने इतना कुछ कैसे प्लान किया हुआ है। अभी मैं इसका एक्सटर्नल वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्सटर्नल वॉल आपको 9 इंच का रखना है एंड इंटरनल वॉल 5 इंच का, ये बेहतर रहेगा इस प्लान के लिए मैंने रखा है। एंड इसमें आपको स्टेयर का राइजर 5 या 6 इंच का रखो और ट्रेड 10 या 12 इंच का रखो, ये आपके स्टेयर के लिए अच्छा रहेगा। तो आगे हम जानेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड स्टेयर के बारे में। तो इसमें पहले नंबर पे जो आता है, आपका स्टेयर ऐसी जगह होना चाहिए कि हर रूम से स्टेयर तक इजीली पहुंचा जा सके। एंड सेकंड है, आपके स्टेयर्स का स्टेप्स वाइड होना चाहिए। एंड थर्ड है, यह पूरी तरह से लाइटेड एंड वेंटिलेटेड होना चाहिए जिससे आप सीढ़ी स्टेयर पे चढ़ने में गिर भी ना जाए। फोर्थ नंबर पे आता है, स्टेप्स का राइजर कंफर्टेबल होना चाहिए। ये ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको राइजर 5 या 6 इंच का रखना है एंड ट्रेड 10 या 12 इंच का रखना है। लास्ट एंड फिफ्थ नंबर पे जो आता है उसको, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग टू टेक लोड इन केस ऑफ एमरजेंसी सिचुएशंस। भगवान ना करे ऐसा सिचुएशन आए, लेकिन मान लो कि भूकंप आ जाए और घर के सारे लोगों को बाहर निकलना पड़े, तो आपका स्टेयर 15-20 लोगों का लोड सह सके, ऐसा स्टेयर होना चाहिए। तो ये प्लान कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेन गेट एंटर करेंगे, अपना स्टेयर यहाँ से आप 3 फीट वाइड रखा है इसको मैंने। एंड दिस इज आवर डाइनिंग कम लिविंग हॉल, इसका साइज मैंने रखा है 10 फीट बाय 16 फीट का। उसके बाद से अपना ये किचन, जिसका साइज मैंने रखा है 6 फीट बाय 6 फीट का। एंड दिस इज आवर कॉमन बाथ कम लेटरिन, जिसका साइज मैंने रखा है 4 फीट बाय 6 फीट का। एंड दिस इज आवर बेडरूम नंबर फर्स्ट, जिसका साइज मैंने रखा है 10 फीट बाय 11 फीट का। और ये है अपना सेकेंड बेडरूम, जिसका साइज मैंने 10 फीट बाय 11 फीट का रखा है। दोनों का बेडरूम का साइज एक ही है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ जिससे आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प मिलेगा एंड लाखों रुपए बचेगा। तो देखिए, आपको विंडो साइज आपका 3 फीट बाय 4 फीट, 3 फीट बाय 5 फीट, 4 फीट बाय 5 फीट, जो भी अच्छा लगे आप रख सकते हो। एंड वेंटिलेशन 2 फीट बाय 1 फीट का डोर साइज आपको रखना है, 3 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट का। एंड टॉयलेट का डोर साइज 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट का। एंड कॉलम साइज आपको रखने हैं 10 इंटू 12 इंच का, 16 mm का टूर आपको 4 डालना है। तो यही आज का प्लान गाइस, एक लाइक तो बनता है इस छोटे से हाउस प्लान के लिए। एंड फिर से मैं वही कहने वाला हूँ यार, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ। लव यू ऑल, जय हिंद।